सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूट्यूब एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले संदीप महेश्वरी के बारे में एंड बात करेंगे यूट्यूब को लेकर एंड साथ ही बात करेंगे वैली फ्रेंजी के बारे में एंड बात करेंगे ट्विटर इंडिया को लेकर एंड बात करने वाले स्काईलॉर्ड को लेकर एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज एंड अपडेट है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ यार, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लो। और अभी तक जिन लोग ने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो जाकर कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए यार, बात कर लेते हैं अपनी आज की फर्स्ट अपडेट के बारे में जो कि स्काईलॉर्ड को लेकर। तो अगर आप लोग को स्काईलॉर्ड के बारे में नहीं पता स्काईलॉर्ड कौन है तो मैं आप लोग को बता दूं, स्काईलॉर्ड एक फ्री फायर स्ट्रीमर है एंड रोस्टिंग भी करते हैं। तो यार, इन्होंने एक स्टोरी शेयर की अपने इंस्टाग्राम पर जिसमें स्काईलॉर्ड का कहना है कि वो फ्री फायर लीव करने वाले हैं। जी हाँ, अभी फ्री फायर की कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाले हैं वो अपने चैनल पर। एंड आप लोग देख सकते हो स्काईलॉर्ड ने स्टोरी में लिखा है, मैंने आज ही के दिन फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया था और आज ही की डेट पर फ्री फायर चैनल बनाया था और आज ही फ्री फायर लीव कर रहा हूँ। फाइनल डिसीजन नाउ, नो मोर वीडियोस ऑन फ्री फायर। एंड स्काईलॉर्ड ने अपने सेकंड चैनल से सभी फ्री फायर वीडियोस को रिमूव कर दिया है। एंड एक और स्टोरी में लिखे कि रोस्ट वीडियो आती हैं और आती रहेंगी। तो अभी बात कर लेते हैं सीओडी मोबाइल को लेकर। तो सीओडी मोबाइल के सीजन 4 में जल्दी एक न्यू गन ऐड होने वाली है एंड इस गन का नाम होने वाला है MK2। एंड MK2 एक मार्क्समैन राइफल होने वाली है एंड इसका एक छोटा सा टीजर भी अपलोड किया गया है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एंड सीओडी मोबाइल में जल्दी एक न्यू स्कोर स्ट्रीक लॉन्च होने वाली है एंड इसका नाम होने वाला है हार्टबीट सेंसर, जिसको अभी हम लोग सीओडी वर्जन में काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी हार्टबीट सेंसर जल्दी लॉन्च हो जाएगा सीओडी मोबाइल में। तो अभी बात कर लेते हैं पारस ऑफिशियल को लेकर। तो अरुणाचल प्रदेश के एमएलए ninong ering ने एक लेटर लिखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें इन्होंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन करने की मांग की थी, जिसमें ninong ering ने कहा था कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अभी भी एक चाइनीज गेम है एंड BGMI को बैन कर देना चाहिए इंडिया में। तो अभी पारस ऑफिशियल ने ninong ering को लेकर एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर एंड इस वीडियो में पारस ऑफिशियल ने कुछ रेसिस्ट कमेंट कर दिए थे ninong ering को लेकर। तो पहले तो मैं आप लोग को पारस ऑफिशियल की उस वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। MLA साहब हैं ये हमारे, और ये कहाँ के MLA हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हों, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो 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 हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच। पारस ऑफिशियली इस वीडियो को लेकर कुछ अरुणाचल प्रदेश के जो यूट्यूबर है वो काफी ज्यादा एंग्री दिखे थे एंड कुछ अरुणाचल प्रदेश के लोग भी काफी ज्यादा एंग्री दिखे थे। तो इसी को लेकर पारस ऑफिशियल एक अपॉलॉजी वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पर एंड अरुणाचल प्रदेश में पारस ऑफिशियल पर किसी ने केस भी कर दिया, यानी पुलिस केस भी कर दिया है किसी ने। एंड आप लोग को बता दूं, पारस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एंड जो पारस ऑफिशियल की मदर है उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड किया है उनके ही चैनल पर, जिसमें वो क्या कही मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एंड पारस ऑफिशियल की मदर ने सभी से सॉरी बोला है इस गलती को लेकर। पहले अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं, ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहां से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहां मेरे बच्चे को लेके गए, मेरा एक ही बेटा है मेरे इस दुनिया में, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा, मेरे लिए वो ही है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा, जो भी वीडियो डालेगा सोच समझ के डालेगा, बच्चा है वो ना समझ है। तो अभी बात कर लेते हैं ट्विटर इंडिया को लेकर। तो दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया की दिल्ली ऑफिस पर रेड की थी कल एंड यार कुछ न्यूज आर्टिकल्स के माने तो जो कांग्रेस का टूल किट एक्सपोज हुआ था इसी को लेकर रेड की गई थी ट्विटर इंडिया के ऑफिस पर। तो अभी बात कर लेते हैं संदीप महेश्वरी को लेकर। तो संदीप महेश्वरी ने एक यूट्यूब को लेटर लिखा है, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो एंड इस लेटर में संदीप महेश्वरी का कहना है कि उनके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, फिर भी उनके वीडियोस पर एड दिखाए जा रहे हैं
एंड उन्होंने यूट्यूब से कहा है कि उनके वीडियोस पर एड ना दिखाए जाएं, क्योंकि जो उनके सेमिनार्स एंड मीटिंग्स होती हैं उनके बीच में एड चलेगा तो सही नहीं लगेगा, इसीलिए एड की वजह से वो अपनी बातों को सही ढंग से नहीं कर पाते, बीच में डिस्टर्ब होता है। एंड इस लेटर में संदीप महेश्वरी का कहना है कि जो यूट्यूब उनके चैनल पर एड दिखा रहा है उसका पैसा खुद यूट्यूब ले रहा है 100%। तो अभी बात कर लेते पीपोय को लेकर, तो पीपोय जल्दी अपनी यूट्यूब इनकम को रिवील करने वाले हैं। जी हां, पीपोय ने इसको लेकर एक टारगेट भी रखा था जिसमें पीपोय का कहना था कि उनकी इस वीडियो पर 100 के लाइक्स हो जाते तो मैं आप लोग को अपनी यूट्यूब इनकम को रिवील कर दूंगा। एंड अभी आप लोग देख सकते हो उनकी वीडियो पर मात्र 2K लाइक्स बचे हैं होने को, एंड 2000 लाइक्स और होने के बाद उनकी इस वीडियो पर 100K लाइक्स हो जाएंगे एंड पीपोय अपनी यूट्यूब इनकम को रिवील कर देंगे। तो अभी बात कर लेते बेरोजगार को लेकर, तो बेरोजगार की न्यू वीडियो जल्दी आने वाली है एंड उनकी ये वीडियो पैरोडी वीडियो होने वाली है एंड इस बार बेरोजगार मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर गर्ल्स की पैरोडी लाने वाले हैं। तो अभी बात कर लेते यूट्यूब को लेकर, तो यूट्यूब की तरफ से एक न्यू पॉलिसी आई थी कुछ दिनों पहले जिसमें US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म सबमिट करना था। तो अभी इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। जी हाँ, US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपके पास 31 मई तक का टाइम है। तो अभी तक जिन यूट्यूबर्स का चैनल मोनेटाइज है एंड अभी तक उन लोगों ने फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो यार कर दो, नहीं तो आपकी टोटल यूट्यूब इनकम से 24% टैक्स में कट जाएगा। जी हाँ, 1-2% नहीं 24% कट हो जाएगा टोटल इनकम से। तो अभी बात कर लेते हैं मनी हाइस्ट वेब सीरीज को लेकर। तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि मनी हाइस्ट के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। तो मनी हाइस्ट के 4 सीजन आ चुके हैं एंड आप लोग में से सभी ने देख भी लिए होंगे। तो अभी मनी हाइस्ट का सीजन 5 जल्दी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, मनी हाइस्ट का यह सीजन हम लोग को सितंबर में देखने को मिलेगा एंड मनी हाइस्ट के सीजन 5 के 2 पार्ट होने वाले हैं जिसमें सीजन 5 के वॉल्यूम 1 को रिलीज किया जाएगा 3 सितंबर को एंड सेकंड वॉल्यूम को रिलीज किया जाएगा December 3rd को। तो अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो के गोल्डन पफ सेगमेंट के बारे में। तो वाइली फ्रेंजी को उनके चैनल का मिल चुका है सिल्वर प्ले बटन, सो माय हार्टी कांग्रेचुलेशन टू वाइली फ्रेंजी। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई थी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।